नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय कुमार संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटल सर्जन में से एक हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों को आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। रोड एक्सीडेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और रोड एक्सीडेंट्स में किसी का जबड़ा टूट जाना या डिसलोकेट हो जाना एक आम समस्या हो जाती है। तो उससे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या प्रिवेंशन मेथड्स हो सकते हैं, किस तरीके से इलाज होता है, आज सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सौम्या जी। आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हो गए हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, हर एक चीज में तेजी पसंद है आजकल के अमूमन बच्चों को। तो सबसे पहले ये उन बच्चों का को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हाइपर एक्टिव न हो, चीज़ों को समझें तो चीज़ें अपने आप संवरती जाएंगी। जीवन आपका है, इसका रक्षा भी आप ही को करना है। बच्चे आजकल स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार बहुत तेज़ी से चलाते हैं, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और आए दिन पेपर में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में देखने को मिलता है कि तेज गति के वजह से यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो ये जबड़ा टूट गया, तो सर में चोट आ गई। तो ये चीज़ बहुत बढ़ गई है। सबसे पहले तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो बहुत तेज़ गति से गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी चलाते हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम विद इन लिमिट चलाएं, सो दैट कि अपनी रक्षा आप स्वयं कर सकें। दूसरा, यदि फिर भी यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस हालत में किसी का जबड़ा टूट जाता है, तो सबसे पहले उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं, जो प्राइमा फेसी जो ट्रीटमेंट है उस करने के बाद हॉस्पिटल ले जाएं। पहले के समय में और अब के समय में इसके ट्रीटमेंट में भी बहुत सा परिवर्तन आ चुका है, एडवांसमेंट हो चुका है। पहले के समय में यदि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट, या महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, एक्सीडेंट होता था तो हम लोग एक्सरे कराने के बाद देखते थे कि कहाँ का है, मैग्जिला का है या मैंडिबुल का है। उसके बाद हम लोग ऊपर और नीचे के दांतों में तार फिक्स कर देते थे, जिसको आइलेट वायरिंग कहते थे, और भी तरीका है जिसके वजह से दांतों को फिक्स कर देते थे। उसके वजह से क्या होता था कि दांत का मूवमेंट, मसूरे या जबरा का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता था। तो जो भी फ्रैक्चर साइट है वो धीरे धीरे अपने आप वो महीने डेढ़ महीने में हील कर जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि वो सटीक उपाय तो हुआ नहीं, उस चीज़ को हमने स्टेबल कर दिया, लेकिन वो जो हड्डी टूटी हुई है, थोड़ी टेढ़ी मेरी भी है, तो वो वैसे ही उसका फ्यूजन हो जाता था। तो बाद में फिर डिफॉर्मिटी होने की संभावना रहती थी, पेशेंट पेन कंप्लेन करता था, चीज़ों को प्रॉपर वे में चबा नहीं पाता था। अब उस चीज़ों में बहुत तब्दीली आ गई है। सबसे पहले जैसे जिस भी व्यक्ति या महिला का एक्सीडेंट होता है, उसका जबड़ा टूट गया है, मैग्जिला टूट गया, तो एक्सरे कराते हैं, एक्सरे से हम लोग असेस करते हैं कि कहाँ का फ्रैक्चर है। एक छोटा सा जिस जगह फ्रैक्चर हुआ है, एक छोटा सा चीरा लगाते हैं वहाँ। चीरा लगाने के बाद उस जगह को, एक्सिस फ्रैक्चर साइट को हम लोग देखते हैं। उस साइट को देखने के बाद वहाँ पे प्लेट लगाते हैं, प्लेट स्टील प्लेट भी होता है और टाइटेनियम प्लेट भी होता है। स्टील प्लेट जब भी लगाते हैं तो पेशेंट को हम लोग कह देते हैं कि भाई इतने महीनों के बाद इस प्लेट को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन टाइटेनियम प्लेट जो है वो ज़िंदगी भर भी लगा हो तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप उसको भी निकलवा सकते हैं। तो इस सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये हुआ कि चूंकि फ्रैक्चर साइट पे जाके हम लोग वहाँ प्लेट लगा रहे हैं, तो एक्यूरेसी बढ़ गई, डिफॉर्मिटी की चांसेस जो पेशेंट में डिफॉर्मिटी होती थी वो चांसेस कम हो गया पेशेंट। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मुंह हम लोग सील नहीं करते हैं इसमें, बस जिस समय ऑपरेशन किया उस समय तार से बांधा, ऑपरेशन खत्म हुआ, हम लोगों ने काट के वो तार को हटा दिया, तो उसी समय जैसे ही पेशेंट को होश आया उसका मुँह खुला हुआ है, वो आपसे अच्छे से बात कर सकता है। सेमी लिक्विड और लिक्विड चीज़ ऑपरेशन वाले दिन से ही खा सकता है, और एक हफ्ते के बाद नॉर्मल जो है खाना खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पुराने समय में जब हम लोग दांत को ही सील कर देते थे तो पेशेंट को सिर्फ लिक्विड फॉर्म के अलावे कुछ पेशेंट खा नहीं सकता था,
और वो भी स्टिपिंग करना पड़ता था, जो दो दांत के बीच की जगह इंटरडेंटल स्पेस, उसी में स्ट्रॉ लगा के स्टिपिंग करना पड़ता था। तो पेशेंट ना कुछ बोल सकता था, ना बात कर सकता था, ना कुछ खा सकता था, पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसको कुछ बताना भी है तो वो कॉपी पेन से लिख के, अपना पेन से लिख के बताता था। अब तो आप पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत बाद आपसे बात भी कर सकता है और कुछ खा भी सकता है, वो कड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।